नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SK जॉब अलर्ट में। इस चैनल पे आपको रोज़ाना गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशन से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट दी जाती है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज के ताज़ा अपडेट। दोस्तों लुवास हिसार में एडमिशंस के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट्स आई है, ठीक है जी। तो इस वीडियो को दोस्तों आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको लुवास यूनिवर्सिटी में PG के एडमिशंस के रिगार्डिंग कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है जी। और जो मेरे दोस्त इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करे, जिससे कि मेरी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशन से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना समय वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। या आप देख सकते हैं हम उनके ऑफिशियल प्रोस्पेक्ट पर आ चुके हैं। यह आपका प्रोस्पेक्ट आया पूरा डिटेल से, प्रोस्पेक्टस 2020-21 मास्टर एंड PhD प्रोग्राम्स के लिए आया है, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं इसमें पूरी डिटेल से। तो ये आपका कंप्लीट शेड्यूल आ चुका है, इंपॉर्टेंट डेट्स रहेगी आपकी, जो आपकी डेट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिशन फॉर्म और यूनिवर्सिटी, ठीक है जी। ये आपके रहेंगे फॉर्म 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2020 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट में बात करेगा कोई कैंडिडेट ऑफलाइन आपके जिस एडमिशन रहेगा, तो इसमें आपके विदाउट लेट फीस 24 तक रहेगी, ठीक है। जो है इंक्लूडिंग NRI कैंडिडेट के लिए विदाउट लेट फीस आपके 24/12/2020 है और विद लेट फीस आपकी रही 31/12/2020 की रखी गई है डेट। वही नेक्स्ट बात करें हम आपके इंट्रेंस टेस्ट की, जो कि आपका मास्टर इन वेटरनरी साइंस रहेगा, तो ये आपका 24 जनवरी 2021 संडे को रखा गया है। और जो आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन रहेगा वो आपका रहेगा 4 फरवरी 2021, ठीक है जी। वही नेक्स्ट स्टेप में बात करें तो ये आप देख सकते हो मास्टर इन वेटरनरी साइंस और MTech के रिगार्डिंग आपकी काउंसलिंग का शेड्यूल भी दिया हुआ है, जो कि आपकी फर्स्ट रहेगी 17 फरवरी से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी और डेट ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन आपका 20 तारीख से रहेगा। सेकंड काउंसलिंग का आप ये दे सकते हो, ठीक है, रजिस्ट्रेशन, और ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे कि आपको एडमिशन्स की डेट और उसके लास्ट डेट और काउंसलिंग की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपके काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर PhD कैंडिडेट के लिए है, या 18 फरवरी से स्टार्ट है और इसमें आपके फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग का शेड्यूल भी दिया हुआ है, जो कि आपका रहेगा लास्ट 22 फरवरी 2021 तक। नेक्स्ट बात करें तो आपके फीस के रिगार्डिंग, तो आप देख सकते हो इसमें आपके NRI के लिए और अलग अलग कैंडिडेट के लिए अलग अलग फीस भी दी हुई है, ठीक है जी। 3,000 रुपये फीस है जनरल ESM फ्रीडम फाइटर फिजिकल हैंडीकैप EWS कैटेगरी के कैंडिडेट, ठीक है जी। नेक्स्ट में आपको 750 रुपये फीस रहेगी SC/BC कैंडिडेट ऑफ हरियाणा स्टेट ओनली और 4,000 फीस रहेगी NRI कैंडिडेट के लिए। तो ये आप देख सकते हो ये आपका नॉन रिफंडेबल काउंसलिंग फीस रहेगी, जो कि आपको बैंक ड्राफ्ट बनवाना है इन फेवर ऑफ रजिस्ट्रार लुवास हिसार, ठीक है जी, ये आप चेक कर सकते हैं। और ये आपको यूनिवर्सिटी टेलीफोन नंबर दे रखा है, अगर आपको एडमिशंस के रिगार्डिंग कोई क्यूरी है, कितनी सीट्स हैं, किस तरह आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, तो इसमें आपको ये कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपका फॉर्म PG और MTech के एडमिशन के रिगार्डिंग आपके ऑफलाइन फॉर्म आ चुका है, जो कि आप फिल करेंगे। और ये आप अप्लाई करने से पहले आप फॉर्म को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है जी। और जो आप फॉर्म को भरेंगे वो आपका कंप्लीट आपको सबमिट करना ऑफिस ऑफ द डीन PGS लुवास हिसार में, आपको लास्ट डेट से पहले पहले फॉर्म को सबमिट करवाना, ठीक है जी। जो फॉर्म का एडमिशन फॉर्म है उसका कोई भी कॉलम आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है, और आप अपनी कैटेगरी के बेस पे के जो भी आपकी कैटेगरी है उसी के बेस पे आपको सबमिट करवाना है, ठीक है जी। यानी कि आपके रिजर्वेशन बेनिफिट लेने के लिए आपको जो आपकी कैटेगरी है उसी में आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। और ये आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन में आप देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, ठीक है जी। टोटल आपका 57 पेज की PDF फाइल आई हुई है प्रोस्पेक्टस। और ये आप देख सकते हो इसमें आपका एडमिशंस के रहेगा
मास्टर इन वेटरनरी साइंस एमटेक और पीएचडी कैंडिडेट के लिए विदाउट लेट फीस आपका लास्ट डेट 24 दिसंबर 2020 है, और विद लेट फीस के साथ आपको 31 दिसंबर 2020 की डेट रखी गई है। अब बात करते हैं आपको एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। तो आप मास्टर इन वेटरनरी साइंस के लिए आपके पास बीएससी यानी बैचलर इन वेटरनरी साइंस आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, और ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो एम टेक के प्रोग्राम के लिए आप दे सकते हो बी टेक डिग्री टेक्नोलॉजी से आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद में आप एम टेक में एडमिशन ले सकते हैं। और वहीं पीएचडी प्रोग्राम की बात करें तो आपके बैचलर इन वेटरनरी साइंस कंप्लीट हुई होनी चाहिए, और ये आपके प्रोग्राम्स दे रखे हैं डिसिप्लिन ऑफ पीएचडी प्रोग्राम और मिनिमम क्वालिफिकेशन, और या फिर आपके मास्टर इन वेटरनरी साइंस इन डिसिप्लिन मेंटेन, यानी कि आपकी इसमें एडमिशन लो इतनी इतनी आपके कोर्स की लिस्ट दी हुई है, ठीक है जी। जिस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी हुई है। नेक्स्ट बात करें आपके इंट्रेंस टेस्ट के रिगार्डिंग, तो जो आपका इंट्रेंस टेस्ट रहेगा उसकी डेट पहले मेंशन कर रखी है 24 जनवरी 2021 को रहेगी, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करें आपका एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा, तो आपका जो मास्टर इन वेटरनरी साइंस का जो एडमिशन के रिगार्डिंग उसमें आपको 160 क्वेश्चन आएंगे, 160, और आपके मार्क्स 160 यानी कि 160 क्वेश्चन 160 ही नंबर के आएंगे। और आपका टाइम रहेगा इंट्रेंस टेस्ट का वो 3 घंटे का रहेगा, ठीक है। जिसमें आप देखो कुछ नोट्स दे रखिए, जो आपका जो पेपर का मीडियम रहेगा वो आपका केवल ओनली इंग्लिश रहेगा, ठीक है जी। इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो आपके क्वेश्चन रहेंगे वो आपके नो नेगेटिव मार्क, यानी कि उस पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता तो आप 160 के 160 क्वेश्चन पे टिक मार्क करके आएंगे, ठीक है जी। तो आपको इंटरेस्ट टेस्ट के रिगार्डिंग, आपके अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसके रिगार्डिंग आपको वेटेज दे रखी है, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, अगर आप अदर कैरिकुलम में आपने कोई स्पोर्ट्स में लिया है या फिर कोई यूथ फेस्टिवल में या कोई इंटर यूनिवर्सिटी में, ठीक है जी, प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है तो इसमें आप उसके आपके मार्क्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट वेटेज आपके एनसीसी की रहेगी, जिसमें आपको पता है जो सर्टिफिकेट होता है एबीसी उसके बेसिस पे आपके इसमें मार्क्स की वेटेज दी जाएगी। और ये आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन और प्रोस्पेक्ट आए हो, आप डिटेल से इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है जी। अब बात करते हैं अगर नंबर ऑफ सीट्स कौन कौन से कोर्स में डिसिप्लिन में कितनी कितनी सीट्स है, तो इसका पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो आप इसमें चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। जो कि आपकी टोटल सीट्स रहेगी 81 आपकी मास्टर इन वेटरनरी साइंस में, और पीएचडी की आपकी 52 सीट्स रहेगी। नेक्स्ट बात करें तो आपको एम टेक के प्रोग्राम के लिए आपके टोटल 9 सीट्स रहेगी। ये आपका पीएचडी प्रोग्राम के लिए सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, जो हरियाणा के कैंडिडेट है उनके 27 सीट्स रहेगी, और जो इंटर सर्विस इन सर्विस कैंडिडेट जो लुआस के कर्मचारी हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके जो बच्चे हैं उनको उनके लिए 3 सीट्स है, तो इस तरह से आप ये चेक कर लीजिएगा। अब बात करते हैं आपका फीस क्या रहेगी, ठीक है जी। जो आपको कोर्स में एडमिशन होगा यानी कि आपका मास्टर इन वेटरनरी साइंस में एम टेक में लुवास हिसार में, तो ये आपका फीस का पूरा शेड्यूल दिया हुआ है भाई, कहाँ कहाँ पे आपकी कितनी फीस लगेगी। और ठीक है जी, आपको पता है आपका 2 साल का होता ही है मास्टर इन वेटरनरी साइंस या एम टेक का कोर्स, तो उसमें आपके फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का कम्प्लीट डिटेल से फीस दी हुई है, तो आप चेक कर लीजिएगा। साथ में आपके इसमें हॉस्टल किसी कंट्री को अगर हॉस्टल लेना है तो उसको भी आप दे सकते हो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी हुई है कितनी आपकी फ़ीस लगने वाली है। ये आपके NRI स्टूडेंट्स के लिए डिटेल दी हुई है, रिफंड पॉलिसी के बारे में आप इसमें चेक कर लीजिएगा, ठीक है जी। ये आपका फिर से काउंसलिंग का शेड्यूल दे रखा है, भी आपके फॉर्म स्टार्ट होने की
स्टार्ट तो हो चुके हैं, जो लास्ट डेट रहेगी वो 24 दिसंबर 2020 है और विद लेट फीस आपकी रहेगी 31 दिसंबर 2020। यह आपको काउंसलिंग का शेड्यूल दिया हुआ है तो यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, ठीक है जी। और ये आपके परफॉर्म में दे रखे हैं जो आपको कैटेगरी वाइज, और ये आप स्पोर्ट्स कैंडिडेट हैं उनके लिए एलिजिबल होते हैं, उन्हें फिल करना होता है। अब बात कर लेते हैं आपका अप्लीकेशन परफॉर्म में की, ठीक है जी। तो ये आप दे सकते हो, ये आपका रहेगा लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस लुवासी सार एम मास्टर इन वेटरनरी साइंस एम टेक और पी एच डी प्रोग्राम 2021 के एडमिशंस के लिए। तो ये आपको परफॉर्मा इंटरनेट से ये साइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आपको फॉर्म को अप्लाई करने के लिए ये फॉर्म डाउनलोड करके फिर आप इसको अप्लाई कीजिएगा और अपने रिलेटेड डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करके आपको लुवास यूनिवर्सिटी में सबमिट करवाने, ठीक है जी। तो इसमें आप देख लीजिए आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई करें वो यहाँ पे आपको यहाँ मेंशन करना है, आपका कैपिटल लेटर में आपका नाम, आधार नंबर, फादर का नाम, मदर का नाम कैपिटल लेटर में, ठीक है जी। और ये आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, फादर क्या ऑक्यूपेशन रहेगा, ठीक है जी। जेंडर क्या है, मेल है फीमेल, नेशनलिटी कैटेगरी कौन सी कैटेगरी, रीजन कौन सा है, डोमोसाइल, ईमेल एड्रेस, यदि कोई कैंडिडेट इन सर्विस में तो यस करेंगे नहीं तो नो करेंगे, ठीक है जी। और एड्रेस आपका क्या रहेगा, स्पेशलाइजेशन यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस, उसके बाद में आपके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं 12वीं बैचलर इन वेटरनरी साइंस, ठीक है जी। और ये पीएचडी के रिगार्डिंग तो आप इसको कंप्लीट भरेंगे। उसके बाद में आपको इंस्टीट्यूशनल वेटेज क्लेम, यदि आपने कोई प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रखा तो उसके क्लेम के लिए आप यहाँ पे उस प्रोस्पेक्ट में देख के यहाँ पे परसेंटेज भरेंगे। उसके बाद में अगर आपका एनसीसी के बाद एबीसी का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे मेंशन करना है, स्पोर्ट्स है तो वो उसमें आप मेंशन करना है, ठीक है जी। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा, इसमें कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब बात करते हैं आप जो आपके जो एडमिशन के रिगार्डिंग जो आपके प्रोस्पेक्टस जो फीस है, जो भी एडमिशन फीस रहेगी तो उसका आपको डीडी बनवाना है। डीडी के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ब्रांच बैंक ड्राफ्ट नंबर लगेगा, नेक्स्ट में इशू कब किया था, कौन से बैंक से बनवाया, कितने अमाउंट का बनवाया, ठीक है जी। तो इसी आपको साथ में ओरिजिनल साथ में अटैच करके इस एड्रेस पर भेजना है, ठीक है जी। और किसके नाम पर बनवाना, ये बनवाना रजिस्ट्रार लुवास हिसार पेबल एट हिसार, ठीक है जी। तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पे आपका साइन हो जाएगा और ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपकी। और इसमें आप देख सकते हो एक बार आपको फिर से इसमें दे रखा है जो आपकी विदाउट लेट फीस रहेगी आपकी 24 दिसंबर है और लेट फीस के हिसाब आपको 31 दिसंबर 2020 रखी गई है, ठीक है जी। और जो आपके रिलेटेड डॉक्यूमेंट है इसमें डॉक्यूमेंट की लिस्ट दे रखी है, चेक लिस्ट और डॉक्यूमेंट ऑफ द अटैच विद द एडमिशन फॉर्म एंड ब्रॉट दैट टाइम द काउंसलिंग विदाउट अलोंग विद ओरिजिनल, ठीक है जी। जब आपकी एडमिशन होगा, जब आपकी काउंसलिंग होता है, आपको ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाने हैं और इसमें आपके जो फॉर्म आप अप्लाई करो उसके साथ में आपके उसकी एक एक फ़ोटो कॉपी आपको साथ में अटैच करके भेजनी है, ठीक है जी। और ये आप देख सकते हो ऑल द डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग फोटो कॉपीज ऑफ द सर्टिफिकेट मस्ट बी सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए जो आपको भेजने हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये आपका नोटिफिकेशन प्रोस्पेक्ट आया हुआ था दुवास में पीजी के एडमिशंस के रिगार्डिंग, ठीक है जी। और ये आपका शॉर्ट नोटिस भी आया हुआ है भाई कब से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके, कब आपकी लास्ट डेट रहेगी, तो आप ये चेक कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इसे ज़रूर शेयर करें, और जो मेरे दोस्त इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशन से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट्स के साथ में। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।